वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज पवन एंड यू आर वॉचिंग परीक्षा प्लैनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने TGT PGT इंग्लिश के लिए दो क्लासेस को कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने TGT इंग्लिश का सिलेबस कवर किया था और उसके बाद में जो सेकेंड क्लास आपको मिली उसमें हम लोगों ने एजेस आर पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझा था। आज की जो क्लास है ये जो पार्ट है आपका ग्रामर का है, क्योंकि हम लोगों को लिटरेचर और ग्रामर दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। तो ग्रामर में जो आपका पहला टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग आज से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, क्यों कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कोई बात, कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस अगर हम मान के चलें तो कोई भी बात है उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कोई भी बात है उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ग्रामेटिकली। तो वो सारे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? वो किसी भी स्पीच के या किसी भी बात के, किसी भी सेंटेंस के जो भी पार्ट हैं उसे हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कहें रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो एक छोटा सा सेंटेंस लिया, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और इससे हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पांच वर्ड हैं, 5 words हैं। अब इसमें ये पांचों वर्ड क्या हैं, इनका ग्रामेटिकली जो इसकी ग्रामेटिकल फॉर्म है वो क्या है, उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक पूरी बात है यहाँ से यहाँ तक, इसके कितने पार्ट्स हैं और ग्रामेटिकल तरीके से उन्हें क्या कहते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रोहित की बात करें, एक तो हो गया आपका रोहित, दूसरा इज हो गया, ठीक है, उसके बाद में गुड है और उसके बाद में क्या है? बॉय। तो अब यहाँ पर ग्रामेटिकली बात करें, जब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, नाउन है, तो ये सारे क्या हैं, ये 8 आपके क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें हमारे सेंटेंस में क्या क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। रोहित आपको अभी बात करेंगे हम लोग, आज का हमारा सब्जेक्ट ही, आज का टॉपिक ही नाउन रहेगा, तो नाउन पे अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे क्या होता है नाउन। तो रोहित इसमें एक वर्ड है, इज है और गुड है, बॉय है। इस तरीके से अगर हम देखें तो रोहित इसमें एक नाउन है, इज क्या है, इज एक वर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है। ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तब। और बॉय क्या है, बॉय अगेन एक नाउन है, ठीक है। मीन्स रोहित नाउन है, इज वर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय फिर से एक नाउन है। तो एक सेंटेंस में, एक बात में, एक स्पीच में जो जो वर्ड हैं वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इस छोटे से सेंटेंस में 2 नाउन आपको मिलते हैं, एक एडजेक्टिव मिलता है और एक वर्ब मिलती है। तो इन सभी चारों चीज़ों से मिलकर के क्या बना था, एक सेंटेंस बना था। तो एक सेंटेंस में जितनी भी ग्रामेटिकल फॉर्म पाई गई हैं तो वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक स्पीच के, एक सेंटेंस के, एक बात के, एक कथन के, एक स्टेटमेंट के जो भी पार्ट हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हमारा जो आज का टॉपिक है नाउन की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो नाउन का सबसे पहले तो बेसिक समझेंगे, उसके बाद में जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उन्हें समझेंगे। नाउन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से शुरुआत ही होती है और सभी चैप्टर्स की। हम लोग वर्ब सीखेंगे, सबसे पहले नाउन आना चाहिए। हम लोग आर्टिकल सीखेंगे तो उससे भी, उसके लिए भी हमें नाउन की जानकारी होनी चाहिए। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझेंगे उसके लिए भी हमें नाउन की जानकारी होनी चाहिए कि जिस नाउन के लिए या जिस सब्जेक्ट के लिए हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसकी जानकारी भी यहीं से मिलेगी। एकदम बेस टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक TGT PGT इंग्लिश के साथ साथ सुपर टेट में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो सभी लोग कम्प्लीटली इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे क्या होता है, जिससे कि एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। नाउन की जब हम बात करते हैं तो नाउन क्या है,
नाउन की डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत पहले से ही सीख रखी है, थर्ड क्लास में या फोर्थ क्लास में होते हैं तो वहाँ पर जो ग्रामर सिखाई जाती है आपको, तो वहीं पर आप लोग सीख चुके हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने रट रखी है, सभी को पता है, आई नो सभी को पता है, सभी को याद है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, तो हमें भी आपकी बात माननी होगी, मान लेते हैं चलो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। पहले तो आपको जो डेफिनेशन पता है हम लोग उसे लिख लेते हैं, क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। चलो ये तो डेफिनेशन आपकी हो गई, आपको पता है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम है, किसी भी प्लेस का नाम है, किसी भी थिंग का नाम है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो वो क्या है, नाउन है, दैट्स इट। क्लियर है, ये बात आपकी है। अब हमें आप ये बताइए कि क्या इसके अलावा इन तीन चीज़ों के अलावा जो तीन वर्ड दिए गए, तीन कैटेगरीज दी हैं, इसके अलावा कोई नाउन नहीं हो सकता क्या, और कोई वर्ड नाउन नहीं है क्या, आपसे पूछता हूँ मैं। पहले तो आपको एक वर्ड देता हूँ, बताएंगे आप लोग ये नाउन है या नहीं है, इन्फॉर्मेशन नाउन है क्या आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो पर्सन प्लेस आर थिंग ही केवल नाउन होता है, तो इन्फॉर्मेशन नाउन नहीं है, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, नाउन है, यस इट इज़ नाउन, इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना। ठीक है, तो ये भी नाउन है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं और उनमें जिसका किसी का भी नाम है, यस नाम, कोई भी नेम है, किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी प्रोसेस का, किसी गाँव का, किसी शहर का, किसी का भी अगर कोई नाम है, दैट नेम इज़ कॉल्ड नाउन, दैट नेम इज़ कॉल्ड नाउन। तो समझ लीजिएगा नाउन का मतलब सिर्फ पर्सन प्लेस आर थिंग नहीं है, एनी थिंग दैट हैव एनी नेम, कोई भी नेम, किसी भी वस्तु का कोई भी नाम, वो क्या है, नाउन है। तो नाउन, जब भी कभी नाउन की बात आए तो आप नाउन को केवल नेम समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी बात आप सुनते हैं तो उसमें देख लीजिए किसी का नाम है क्या, अगर नाम है तो नाउन है। ओके चलो, अब आप अपने चारों तरफ सोचिए आपके पास क्या है, अभी आप जब देख रहे हैं वीडियो तो क्या क्या है आपके पास, जो भी है सब कुछ नाउन है। देख लीजिए, आपके पास मोबाइल है, नाउन है, आपकी चेयर है, नाउन है, बुक नाउन है, पेन नाउन है, फैन नाउन है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सब कुछ नाउन है। ठीक है, तो सब कुछ नाउन है क्योंकि इनके सबके कोई ना कोई नाम है, और जो नाम है वो नाउन है। नाउन क्या है, अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग, यस टाइप्स ऑफ नाउन्स आप जब भी पढ़ते हैं तो आप सबसे पहला टाइप क्या पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। आप लोग जो अभी तक पढ़ते हैं वो सभी लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन को, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको कॉमन नाउन बताऊँगा, उसके बाद प्रॉपर नाउन पर आएंगे हम लोग, क्योंकि कॉमन नाउन समझने के बाद प्रॉपर नाउन को समझना बिल्कुल आसान है। अब नाउन को हम लोग समझ चुके हैं कि नाउन क्या है, एनी नेम, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का और प्रोसेस का, किसी का नाम है तो वो क्या है, नाउन है। और अगर कॉमन नाउन है, इट मींस वो कॉमन नेम होगा, कॉमन टू ऑल, यानी सभी के लिए एक ही नाम दिया गया होगा, तो वो कॉमन नाउन कहा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसे कॉमन नाउन को हम लोग, अगर नाउन नेम है तो कॉमन नाउन को हम लोग कॉमन नेम कह सकते हैं, कॉमन नेम गिवन टू एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। नाउन का मतलब नेम और कॉमन नाउन का मतलब कॉमन नेम, गिवन टू एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो कॉमन नेम, कॉमन तरीके से बुलाने लगते हैं हम लोग, वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, ये सब क्या है, रिवर, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, रिवर,
अब बॉय की बात करें, आपकी क्लास में कितने बॉयज़ होते हैं, मान लो कि 50 स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर 25 से 30 बॉयज़ होंगे। अब किसी को अगर बुलाना है तो क्या कहोगे, तो उसका नाम लेना पड़ेगा। लेकिन बॉय तो सब कोई है, हर कोई बॉय है, एक पर्टिकुलर पहचान ये बॉय है और ये गर्ल है, एक नहीं होता है। बॉयज़ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। रिवर्स, कोई एक रिवर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, रिवर की बात करें इसका मतलब कॉमनली हम लोग बात कर रहे हैं, कॉमन तरीके से बात करें तो रिवर नदी, कोई भी नदी हो सकती है, सभी नदियाँ जो हैं उसे नदी ही कहा जाता है, सभी लड़कों को लड़का ही कहा जाता है, बॉय ही कहा जाता है। तो एक नाम है लड़का, एक नाम है बॉय जो कि सभी के लिए दिया गया है, एक नाम है रिवर जो हर किसी नदी को बोल सकते हैं, एक नेम है गर्ल जो हर किसी लड़की से बोल सकते हैं, एक नेम है सिटी जो हर किसी सिटी के लिए कह सकते हैं, हर किसी शहर के लिए सिटी बोल सकते हैं। स्कूल, कोई भी स्कूल है स्कूल है, तो ये क्या है, कॉमन नेम है, कोई भी स्कूल है उसे स्कूल बोल सकते हैं, सिटी को सिटी बोल सकते हैं, गर्ल कोई भी हो गर्ल, यानी पूरी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को हम एक ही नाम से बुला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या है, इससे जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है। जी हाँ, प्रॉपर किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो आप लोग क्या बताओगे, कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, मैं हरदोई में रहता हूँ, या जहाँ जिस शहर में जिस गाँव में आप रहते हैं तो आप उसका नाम बताएंगे प्रॉपर। फिर कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आप प्रॉपर लखनऊ में रहते हैं, इट मीन्स वो आपसे कंफर्म करना चाहता है कि वास्तव में आप प्रॉपर लखनऊ में रहते हैं, यानी लखनऊ जो सिटी है उसमें रहते हैं या उसके 10-20 किलोमीटर इधर उधर रहते हैं, साइड में रहते हैं। जैसे जब हम कभी बाहर होते हैं तो बता देते हैं कि लखनऊ से हैं, भले ही हमारा गांव वहां से 40 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, तो प्रॉपर का मतलब ठीक वही पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज इट क्लियर। तो अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन, जैसे कॉमन नाउन था कॉमन नेम, इसी तरीके से प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग। जैसे प्रॉपर नाउन रिफर्स टू अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर थिंग, एक पर्टिकुलर एक नाम एक व्यक्ति को दिया गया है उसी से उसकी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग क्लास की बात कर रहे थे तो क्लास में बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारी गर्ल हैं, लेकिन अगर उसमें से किसी रुचि को आपको बुलाना है तो क्या करेंगे, अगर किसी को गर्ल करके बुलाएंगे तो बहुत सारी गर्ल्स खड़ी हो जाएंगी, अगर किसी बॉय को बॉय कहकर बुलाएंगे तो बहुत सारे बॉयज खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये कोई असुविधा ना हो इस टाइप की, तो इसलिए हमें क्या दिया गया, प्रॉपर नाउन दिया गया, इसीलिए हम लोग प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं। तो रुचि की जब हम बात करेंगे तो केवल एक लड़की जो जिसका नाम रुचि है वही खड़ी होगी और वही आपके सवाल का जवाब देगी। तो और क्या है इसमें, जैसे राहुल है, श्याम है, द गंगा है, तो नदियाँ तो बहुत सारी है, रिवर्स की बात की थी, रिवर जब हम बोलें तो कॉमन है, लेकिन जब रिवर का पर्टिकुलर नाम है गंगा तो इट मीन्स हम केवल एक स्पेसिफिक रिवर की बात कर रहे हैं, दैट इज गंगा, क्लियर। राहुल जब हम बॉयज़ की बात कर रहे थे तो कॉमन था, लेकिन अब राहुल की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर है, पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं जिसका नाम राहुल है। उसी तरीके से श्याम है, MS धोनी, क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, जब हम क्रिकेटर की बात करते हैं क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट MS धोनी देन द पर्सन ओनली द पर्सन दैट इज कॉल्ड धोनी। ठीक है, तो केवल वही पर्सन जिसे हम धोनी कहते हैं उसी की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल की बात कर रहे थे, स्कूल कॉलेज, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात करते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन्स हो जाते हैं, यानी हम लोग अब केवल एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सिटी की बात हम लोग कर रहे थे, तो सिटी कॉमन है, लेकिन जब लखनऊ की बात कर रहे हैं तो केवल एक सिटी जो लखनऊ कहा जाता है पर्टिकुलरली उसी की बात हो रही है। सेम इसी तरीके से प्रयागराज है। यस, नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर नाउन का जो आपका एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड परीक्षा प्लेनेट। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जब चैनल्स की बात करें तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब परीक्षा प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो केवल हम उसी चैनल की बात कर रहे हैं जिसका नाम परीक्षा प्लेनेट है, जहाँ पर TGT PGT इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, तो हम उस प्रॉपर या उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, क्लियर है। जी हाँ, थोड़ा सा प्रचार भी होना ज़रूरी है। यस,
थोड़ा सा प्रचार भी करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन का मीन्स जो है उसके सिंपल एक ही वर्ड में सीमित है। क्या है? कलेक्टिव। कलेक्टिव जो वर्ड बना है आपका कहाँ से बना है? कलेक्टिव का मतलब क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ये होता है समूह, ग्रुप, इकट्ठा बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे लोगों का जो समूह है वो क्या है? एक कलेक्शन है। तो यहाँ पर किसी कलेक्शन की, किसी समूह की, किसी झुंड की बात करते हैं, मीन्स बहुत सारी मात्रा की बात करें या बहुत सारी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो देखते हैं क्या है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या कहेंगे? नेम्स दैट डिनोट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। लोगों के समूह को, लोगों के झुंड को, या एनिमल्स के झुंड को, या फिर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हैं, तो उनके पूरे कलेक्शन को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन नाम दिया गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहें अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स जब आप लोग खाते हैं तो क्या एक होता है उसमें, जो गुच्छा बोलते हैं उसे, उसमें एक तो होता नहीं, बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। जब बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बंच। बंच कहा जाएगा। इट मीन्स अब बंच जो है आपका, जो बंच यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है? एक किसी एक अंगूर, एक ग्रेप्स को, एक ग्रेप को डिनोट नहीं करता है, यहाँ पर पूरे उस गुच्छे को डिनोट करता है, तो इसे क्या कहते हैं? बंच। और बंच जो आपका इसमें है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हर्ड, अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल का मतलब होता है जानवरों से, मवेशी से। तो बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे मवेशी हैं, तो वहाँ पर क्या है? हर्ड की बात करते हैं। हर्ड का मतलब झुंड होता है। तो हर्ड आपका इसमें क्या हो गया? वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब पक्षियों का या चिड़ियों का जो समूह है वो क्या है? उसे फ्लॉक कहते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाता है। कई बार हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड है वही है, लेकिन पूरा सेंटेंस का सेंस आ जाए, इसलिए इसे पूरे सेंटेंस की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसी तरीके से अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। जब घटनाएं एक के बाद एक घट रही हैं, बहुत सारी घटनाक्रम है, तो उसके जो जिस तरीके से वो घटनाएं घटी हैं तो एक से ज़्यादा, इसलिए उसे क्या कहेंगे? सीरीज कहते हैं। घटनाओं के लिए सीरीज यूज होता है, इवेंट्स के लिए। प्लेयर्स होते हैं। जब प्लेयर्स कई होते हैं, एक प्लेयर ना खेलकर कई प्लेयर सामूहिक रूप से खेलते हैं, तो उस प्लेयर्स की टुकड़ी को क्या कहा जाता है? उसे टीम कहा जाता है। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो प्लेयर्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो टीम है। इसी तरीके से घटनाओं के लिए सीरीज वर्ड का यूज करते हैं। वर्ड्स का है तो फ्लॉक यूज होता है, कैटल के लिए हर्ड यूज होता है, और ग्रेप्स हैं, बनानास हैं, तो इसके लिए बंच का यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे नाउन हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। वो कौन से हैं? कमिटी। कमिटी की स्पेलिंग को भी ध्यान रखना है। क्या है कमिटी? COMMITTEE, कमिटी। ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है, सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कमिटी, गैंग, ज्यूरी। गैंग का मतलब क्या होता है? गैंग ऑफ डैकोट्स, यानी डाकुओं का जो गैंग है उसमें क्या है? एक नहीं, बहुत सारे डाकू होते हैं, बहुत सारे लुटेरे होते हैं, तो वो गैंग कहा जाता है, बहुत से लोग हैं। ज्यूरी का मतलब होता है, ज्यूरी का मतलब ये होता है जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं। तो जब किसी, इनका एक पैनल बनता है किसी एक डिसीजन के लिए, कई जज मिलकर के उस पर विचार करते हैं और उसका डिसीजन सुनाने का प्रयास करते हैं, तो वो जो कमेटी बनाई जाती है जजेज की, उसे ज्यूरी कहा जाता है। तो उसमें कई सारे जजेज होते हैं। इसी तरीके से तो आपका क्लास है। क्लास का मतलब क्या है? कोई एक स्टूडेंट नहीं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मिला करके क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। तो क्लियर है कि जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु या स्थान और उन सबको एक साथ मिला करके एक बिल्कुल अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे प्लेयर्स तो विराट कोहली है, सुरेश रैना है, MS धोनी है, ठीक है, तो ये सभी प्लेयर्स हैं, लेकिन जब सब सामूहिक रूप से खेलते हैं तो वो एक टीम कही जाती है, टीम इंडिया। ओके, इसी तरीके से घटनाओं को सीरीज कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कलेक्टिव नाउन कहाँ से आया है। तो कलेक्टिव नाउन को आप समझ गए होंगे, बंच की बात हो, हर्ड की बात हो, फ्लॉक की बात हो, सीरीज की बात हो, टीम की बात हो, तो ये सब क्या है? आपके कलेक्टिव नाउन है। ध्यान रखिएगा
कि जब कभी कलेक्टिव नाउन का यूज होता है तो आमतौर पर कलेक्टिव नाउन के साथ आपको दिखाई तो देगा कि कलेक्टिव नाउन कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन आमतौर पर जो इसके साथ लगाई जाती है वर्ब वो क्या होती है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे बात करें अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स की एक टीम खड़ी हुई है, ठीक है, तो एक टीम है, प्लेयर्स तो बहुत हैं लेकिन टीम तो एक ही है, तो एक टीम के लिए एक टीम सिंगुलर है, तो टीम एक टीम के लिए क्या है, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके आगे और भी रूल्स हैं, हम केवल अभी सिंपल बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक की बातें कर रहे हैं, जब इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो आपको कमिटी में बताएंगे कि इसके लिए सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है और इसके लिए प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है, कहाँ पर सिंगुलर का, कहाँ पर प्लूरल का यूज होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एडवांस में। तो कलेक्टिव नाउन हो गया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन के। तो नेक्स्ट नाउन है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है, कॉमन नाउन को समझ लिया, प्रॉपर नाउन को समझ लिया, कलेक्टिव नाउन को समझ लिया, फिर है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बिल्कुल इजी है, इसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, सभी को पता है। मटेरियल नाउन का मतलब भी है कोई नेम जो कि किसी मटेरियल और सब्सटेंस को दिया गया है, कोई भी मटेरियल का जो भी नाम है वो मटेरियल नाउन आता है, ठीक है। जैसे सिल्क हो गया, मटेरियल है, गोल्ड, वुड, आयरन, ग्लास और मिल्क, तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, मटेरियल आर सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस का जो भी नाम है तो वो क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो मटेरियल नाउन का मतलब नेम ऑफ एनी मटेरियल। तो बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन ना लिख करके केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए कोशिश करते हैं कि कम वर्ड्स में आपको समझ में आए, बहुत ज़्यादा लिखने से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए कम शब्दों में आपके बात समझ में आ जाए, ऐसा प्रयास रहता है। तो यहाँ तक क्लियर है मटेरियल नाउन, अब बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन जिसे हम जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट ही, आप लोगों ने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अमूर्त, ठीक है, जिसे देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, तो वहीं से तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट आया है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नॉट टच आर सी, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, नहीं किसी भूत चुड़ैल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नाउन की, और नाउन में भी बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं और जिसे टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स के एग्जांपल देखते हैं, पहले तो समझ लें कि जिसे हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग्स की, कहीं ना कहीं इमोशंस की बात हो रही है, फीलिंग्स की या इमोशंस की बात हो रही है, तो इसे यहाँ पर लिख लीजिए, फीलिंग्स की बात करें या इमोशंस की बात करें तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कुछ एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा। लव, देख सकते हैं, आपने देखा है लव क्या होता है, नहीं देखा ना। हैट्रेड, छुआ है कभी हैट्रेड को, नफरत किसे कहते हैं, आई हेट यू, नहीं बेसिकली मैं तो नहीं हेट करता हूँ, लेकिन हेटेड का मतलब बता रहा हूँ, जो हेट वर्ड है उसे क्या आपने कभी हेट को देखा है, केवल महसूस किया जा सकता है, इन चीज़ों को छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। ऑनेस्टी, कोई भी व्यक्ति कितना ईमानदार है, किसी व्यक्ति में कितनी ईमानदारी है, कोई नहीं देख सकता, कोई भी छू नहीं सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। ब्रेवरी, बहादुरी। इसी तरीके से विजडम, ज्ञान, आपके पास कितना ज्ञान का भंडार है, इट कांट बी टच आर सी, इसे कभी देखा नहीं जा सकता, केवल एहसास है आपको। एंगर, क्रोध भी आप कहते हो कि क्रोध जब आता है तो एकदम फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो वो फेस के एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं, फेस दिखाई देता है कैसा आपका रेड हुआ या टेढ़ा हो गया या कैसा हो गया गुस्से में, एंगर में, लेकिन गुस्सा नहीं दिखाई देता है, वो एक भाव है, एक फीलिंग है। इसी तरीके से पॉवर्टी, गरीबी भी इसी तरीके से क्या है, उसे भी ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो अलग बात है कि गरीबी में जो भी बेसिक, जो फंडामेंटल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, किसी के पास घर नहीं है तो आपको दिखाई दे रहा है इसके पास घर नहीं है, इसके पास कपड़े नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन गरीबी दिखाई नहीं देती है, गरीबी में जिन चीज़ों की कमी है वो कमी आपको दिखाई देती है, इस हिसाब से आप असेस कर लेते हो कि कोई भी व्यक्ति कितना गरीब है या अमीर है।
इज इट क्लियर। इसी तरीके से मर्थ, मर्थ का मतलब होता है खुशी, ग्लैडनेस या हैप्पीनेस की बात करें तो खुशी भी जो है एक फीलिंग है, इसे एहसास किया जा सकता है, इसे टच नहीं किया जा सकता और इसे देखा नहीं जा सकता। तो सारी बातें क्लियर हैं दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कोई भी ऐसा नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, जिसे देखा या टच नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने जो नाउन्स के बेसिक टाइप्स हैं उनकी बात कर ली है, अब हम इसमें देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हम लोग नाउन को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका नाउन्स को डिवाइड करने का ये है, एक तो हम लोग काउंटेबल नाउन कह सकते हैं एंड सेकेंडली हम लोग कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी नाउन्स को उस तरीके से तो डिफाइन कर ही सकते थे जिस तरीके से हम लोगों ने 5 टाइप्स उसके पढ़े, अब हम इसकी गिनती या काउंटिंग के आधार पर भी इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन्स, मीन्स ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एंड जो नाउन्स हम काउंट नहीं कर सकते या जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनकी क्वांटिटी होती है ओके तो वो क्या होते हैं, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। मीन्स इसकी क्वांटिटी तो होती है, मात्रा तो होती है, बट इन्हें हम लोग गिन नहीं सकते। चलो समझते हैं। काउंटेबल नाउन, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, बैग, पेन एक है तो कई हो सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, 10 पेन, तो ये क्या है, सभी आपके काउंटेबल हो जाएंगे। टॉय एक खिलौना है तो एक और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। रुपी 1 रुपी एंड 100 रुपीज। चेयर एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरीके से फ़ोन का मतलब मोबाइल फ़ोन, किसी के पास एक होता है, किसी के पास 2 होते हैं, तो ये काउंट हो जाते हैं आसानी से। और रूम एक है आपके घर में या कई रूम्स हैं तो उसे भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अनकाउंटेबल नाउन, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए अलग कैटेगरी बना दी गई है, अनकाउंटेबल नाउन कह दिया गया उसे, जिससे कि इन्हें जो आपका जो नाउन है इसे इसकी स्टडी करने में बहुत ही आसानी रहे। तो नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, क्लियर है। तो क्या है आपका मिल्क, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मिल्क काउंट कर सकते हैं, मिल्क नहीं, इसकी क्वांटिटी होती है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, वो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो इसकी गिनती नहीं है। मनी, मनी का मतलब मनी अनकाउंटेबल है, जब हम बात रुपीज़ की कर रहे थे तो रुपीज़ को तो काउंट किया जा सकता, बट आपके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितना मनी है, कितना वेल्थ है, तो ये दोनों नाउन कैसे हैं, अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से ऑयल है, ऑयल को गिन नहीं सकते, 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल नहीं गिन सकते ना, तो इसकी एक क्वांटिटी होती है, मात्रा तो होती है, इसकी गिनती नहीं होती है, क्लियर है। इसी तरीके से नॉलेज है, नॉलेज को भी काउंट नहीं कर सकते। और वाटर, वाटर का मतलब वाटर की क्वांटिटी होती है, बट इसे हम लोग गिन नहीं सकते, एक पानी नहीं, किसी से कहा एक पानी लेकर क्या हो, एक वाटर लेकर क्या हो, नहीं, एक वाटर नहीं होता है, वहाँ पर क्वांटिटी हो सकती है, एक ग्लास वाटर लाओ, इस तरीके से। फर्नीचर, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि फर्नीचर में तो चेयर होता है, टेबल होता है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बट फर्नीचर जो ओवरऑल फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल ही होता है। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी, जो अनकाउंटेबल हैं, इट मीन्स जो अनकाउंटेबल हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता इसका मतलब क्या है, उसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके की काउंटिंग नहीं लगा सकते उसकी, और जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है उसे क्या नहीं कर सकते, उसे प्लूरल नहीं बना सकते, उसे प्लूरल नहीं बना सकते। यस कम ऑन, ध्यान रखना है आपको कि उसे प्लूरल नहीं बना सकते, मनी को 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो यस या ई एस भी नहीं लगा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। वाटर में यस या यस नहीं लगा सकते, वाटर्स नहीं कर सकते, फर्नीचर्स कर दोगे गलत हो जाएगा, मनीज नहीं हो सकता है, ऑयल्स नहीं हो सकता है, नॉलेज नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर। यानी अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल ही होते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जब उन्हें गिन नहीं सकते हैं तो उन्हें प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। इज इट क्लियर। हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग जब एडवांस अगली क्लास में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वाटर में आपको कई जगह यस लगा मिल जाएगा, वाटर्स मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वाटर का मतलब पानी से नहीं होगा, वहाँ पर वाटर का मतलब ही चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलो देखते हैं अब इधर,
यहाँ पर देख लेते हैं, काउंटेबल नाउन है तो इसमें तो यस या यस लगाया जा सकता होगा, अगर वहाँ पे नहीं लग सकता तो यहाँ लगेगा। जैसे पेन है, पेन को गिन सकते हैं, जब काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब एक है तो बहुत से भी हो सकते हैं। फिर जैसे पेन को पेंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पेंस का मतलब पेन एक पेन और पेंस बहुत सारे पेन। रुपी का मतलब एक रुपए की बात कर रहे हैं, और अगर हम इसे प्लूरल बना दें तो रुपीज बहुत से रुपीज। क्लियर हुआ? किसी में भी चेयर को चेयर्स कर सकते हो, रूम को रूम्स कर सकते हो, यानी काउंटेबल नाउन को तो प्लूरल बना सकते हैं बट अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर्स की। तो नंबर्स में देखते हैं क्या है, नंबर्स में सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर आपको दिए गए हैं क्या क्या हैं, जैसे समझने के लिए बॉय दिया गया, गर्ल है, बॉक्स, फॉक्स, चाइल्ड, मैंगो, फोटो, थीप्स, मैन और टूथ, इस तरीके से। चलो देखते हैं इनके प्लूरल क्या होंगे। बॉय का बिल्कुल सिंपल है, इसका बॉयज हो जाएगा, यस या ईएस लगा के। कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, यस या ईएस का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये नियम हर जगह पर लागू नहीं हो पाता है। तो कहाँ पर यस या ईएस से काम नहीं चलता है, वो चीज़ें हमारे इतने वर्ड्स को देखने में ही समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका यहाँ से जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। बॉय का बॉयज हो जाता है, गर्ल के लिए हम लोग गर्ल्स लिखते हैं, यानी गर्ल में भी यस या ईएस लगा देते हैं। बॉक्स का क्या लगाते हैं, बॉक्स में ई एस लगाते हैं, बॉक्सेस हो जाता है। फॉक्स का एक लोमड़ी है तो आपका फॉक्स रहेगा, और वैसे प्लूरल में फॉक्सेस हो जाएगा। चाइल्ड का बिल्कुल अलग है, देखिए चाइल्ड का क्या होता है, चाइल्ड में एस नहीं लगाते हैं, चिल्ड्रेन हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है चिल्ड्रेन। इसी तरीके से मैंगो है, मैंगो में देखो दोनों को साथ साथ इसलिए लिखा है, मैंगो है और दूसरा आपका क्या है, फोटो है, दोनों को साथ साथ लिखने का भी एक रीज़न है। मैंगो और फोटो दोनों में अलग अलग नियम है, मैंगो में भी ओ लग रहा है बाद में और फोटो में भी ओ लग रहा है, ओ से पहले यहाँ भी कॉन्सोनेंट है और ओ से पहले यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी रूल क्या है इसका बिल्कुल अलग अलग है। मैंगो को जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, ई एस, मैंगोज, और फोटो को जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस से काम चल जाता है। तो इन सभी बारीकियों को भी हमें समझना है कब, अगली क्लास में। यहाँ पर आपको ये पता हो जाना चाहिए कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर थीफ। थीफ का जो है, थीफ का बिल्कुल अलग है, थीफ का क्या हो जाएगा, टी एच आई ई वी ई एस। एफ को बिल्कुल हटा देते हैं, एफ को हटाने के बाद में एफ की जगह पर वी का यूज करते हैं और ई एस लगा करके इसे प्लूरल बना देते हैं। क्लियर है? तो थीप का क्या हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। मैन है, इसी तरीके से मैन, मैन को प्लूरल बनाने का बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक तरीका है। मैन का क्या करते हैं, बीच का जो बॉबल है उसे चेंज कर देते हैं। मैन का, मैन और टूथ दोनों पे यही नियम लागू होता है तो दोनों को साथ साथ लिखा गया है। मैन का क्या हो जाएगा, मैन हो जाता है, और इसी तरीके से टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, टीथ हो जाता है। इट मीन्स इन दोनों को क्या किया गया है, इनका जो बीच का बॉबल दिया गया है, बीच में जो सेंटर में बॉबल दिए गए हैं उन्हें चेंज कर दिया गया और ये प्लूरल बन गए, यानी मैन का मेन हो गया और टूथ का प्लूरल टीथ। इज इट क्लियर? देख रहे हैं कि इतने वर्ड दिए हैं, केवल चार छः वर्ड दिए गए हैं, इसमें कितने सारे नियम लग रहे हैं। यहाँ पर एस या एस का यूज हो रहा है, यहाँ पर ई एस का यूज हो रहा है, यहाँ पर कुछ नई चीज़ ही आ जाती है चिल्ड्रन में, इसी तरीके से चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, एक ऑक्स वर्ड होता है, ऑक्स का बैल होता है और इसका ऑक्सन हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ई एन लग गया, यहाँ पर चिल्ड्रन में आर ई एन जुड़ गया था। इसी तरीके से मैंगो में और फोटो का नियम अलग था, और उसके बाद में जो वर्ड दिए गए हैं थीप से उसका नियम अलग है, और मैन और टीथ का नियम बिल्कुल अलग है। तो इन सारी चीज़ों को भी समझना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसमें आगे चल करके जब हम एडवांस में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स जो हैं ऐसे हैं जो ऑलवेज ऑलवेज प्लूरल होते हैं, उनका यूज भी प्लूरल ही होता है, हमेशा प्लूरल होते हैं, उनका यूज भी प्लूरल होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखाई प्लूरल देते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस या ई एस लगा होता है, वो प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन यूज उनका सिंगुलर होता है। तो वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जैसे और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में
सेम रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो रहेगा जेंडर। नाउन में आपको जेंडर भी पढ़ना होता है। जेंडर को क्या कैसे समझेंगे? जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर चार प्रकार का है। इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। फर्स्ट आपका मैस्कुलाइन जेंडर कह सकते हैं, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन और न्यूटर। तो इस तरीके से हम लोग जेंडर को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब है जो जेंडर मेल को डिनोट करते हैं, जो जेंडर मेल को डिनोट करते हैं वो आपके मैस्कुलाइन जेंडर है। इसी तरीके से जो फीमेल को डिनोट करते हैं वो फेमिनाइन जेंडर है। और कॉमन जेंडर, जहाँ पर जेंडर की बात ही ना हो सके, जहाँ पर जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करना आसान ना हो, जेंडर को डिस्क्रिमिनेट किया ही ना जा सके, वो क्या होता है आपका? कॉमन जेंडर होता है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है यहाँ पे जेंडर है ही नहीं तो यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर वस्तुएँ आती हैं जैसे पेन है, चेयर है, एप्पल है। जो मेन पॉइंट इसमें है, आप एक वर्ड समझ सकते हैं, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब जो शैशवावस्था में जो बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर उसके जेंडर को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ग्रामर में। तो आपको ध्यान रखना है इन्फेंट भी न्यूट्रल जेंडर में आता है। और जब इन्फेंट के लिए बात करते हैं तो इसके लिए ही शी का यूज नहीं होता, इसके लिए इट का यूज होता है, इट इट्स का यूज होता है, क्लियर है। तो न्यूट्रल जेंडर के जितने भी नाउन होते हैं उनके साथ में ही शी यूज ना होकर के इट्स का यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका जो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब ऐसे नाउन जो मेल की बात करते हैं, फेमिनाइन जो भी फीमेल की बात करते हैं, वो सब फेमिनाइन जेंडर में। फादर का क्या हो जाएगा? सभी को पता है मदर। राम का क्या हो जाएगा? राम का मतलब राम का सीता हो जाएगा, हो जाएगा ना? जी हाँ बिल्कुल। नहीं, राम का सीता नहीं होगा, यहाँ पे राम है ही नहीं, यहाँ पर ये राम नहीं है, ये क्या है? रैम है, आर ए एम, रैम। अब ये कहोगे रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी नहीं है। यहाँ पर रैम का मतलब है, यहाँ पर जो हम बात करते हैं शीप की, शीप जो वर्ड आपका होता है, शीप का मतलब है भेड़, हम उसे कहते हैं शीप। लेकिन शीप का भी जब जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसका जो मेल होता है उसे रैम कहा जाता है, भेड़ का जो मेल होता है उसे रैम कहा जाता है, और जो फीमेल होता है उसे यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू, ई डब्ल्यू ई, इसे यू पढ़ते हैं, क्लियर है। इसी तरीके से सन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 68,500 में, ध्यान रखिएगा। सन का क्या हो जाएगा? आपको पता है सन का डॉटर हो जाता है, डॉटर हो जाएगा। फॉक्स का भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट, फॉक्स का जो फीमेल होता है उसे विक्सन कहते हैं, फॉक्स का विक्सन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, रैम का और फॉक्स का। वॉशरमैन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉशर वुमैन हो जाएगा, वॉशर वुमैन हो जाएगा। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन जेंडर वही है जो कॉमन नाउन होते थे। कॉमन नाउन आपने पढ़ा है, जहाँ पे हम लोग कह नहीं सकते, कहना मुश्किल होता था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वही उसी तरीके से यहाँ पर भी कहना मुश्किल होता है, हम नहीं कह सकते कोई मेल है या फीमेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर क्या है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसी तरीके से प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर की बात करें, टीचर में भी वही कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो कॉमन जेंडर में आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग जेंडर को डिस्क्रिमिनेट ना कर सकें, जेंडर पहचानना मुश्किल हो, तो वहाँ पर क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है। ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर सकते हैं वो कॉमन जेंडर में आते हैं, क्लियर है। तो जेंडर की भी बात कर ली है। जेंडर की बात करने के बाद अब हमारा टॉपिक रहेगा नाउन के अंदर केस। केस भी एक टॉपिक होता है। केस की बात करें तो इंग्लिश में जो केस होता है वो चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, केस की बात करें तो इंग्लिश में चार प्रकार के हैं। सब्जेक्टिव केस होता है, इसका एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे समझना मुश्किल होगा, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सब्जेक्टिव है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस है, एक वोकेटिव केस कहा जाता है इसमें, और दूसरा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है केस में भी, वो क्या है? पजेसिव केस, पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव हो गया, वोकेटिव हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव।
एक एक करके बात करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में क्लियर कर लें, और उसके बाद में केस के लिए बिल्कुल अलग से क्लास होती है और ये कम से कम 1 घंटे का लेक्चर होता है, तब आपका केस जो है नाउन में क्लियर हो पाता है, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहले वोकेटिव की बात करें या फिर यहाँ से बात करें, अच्छा ठीक है चलो यहाँ से बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात करें कंपेरेटिवली, तब समझ में आएगा। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है, केस का मतलब ये है कि कोई भी नाउन सेंटेंस में उसकी स्थिति क्या है, किसी भी नाउन की सेंटेंस में स्थिति क्या है, किसी भी नाउन का सेंटेंस में काम क्या है, तो वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है या एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है या पजेशन को शो कर रहा है, क्लियर है। तो ये इसकी स्थिति बताता है क्या केस। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है, विमल हेल्प्ड शिवम, विमल हेल्प्ड शिवम का मतलब है विमल ने शिवम की हेल्प की। यहाँ पर विमल भी आपका एक नाउन है, क्या है नाउन है, दूसरा शिवम भी आपका एक नाउन है, दोनों ही नाउन है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, विमल ने हेल्प की है तो काम किसने किया, विमल ने किया, तो विमल यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये नाउन होते हुए भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए जो विमल है वो क्या है सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर विमल जो नाउन है वो क्या है उसका काम सब्जेक्टिव केस के रूप में है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो श्याम विमल ने किसकी मदद की, तो शिवम की मदद की और शिवम की हेल्प की, शिवम भी अपना एक नाउन ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो जो विमल है वो कौन से केस में आ जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, विमल आपका क्या है ऑब्जेक्टिव केस का आ जाएगा, क्लियर है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं पजेसिव, इसकी वोकेटिव की। वोकेटिव का मतलब क्या, वोकेटिव में कुछ नहीं, वैसे आमतौर पर हम लोग इसे बुलाने में आम बोलचाल की भाषा में इसका यूज होता है, वैसे ग्रामर में यहाँ से कंपटीशन में कोई क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ से नहीं होता है, लेकिन चूंकि इसका प्रकार में एक प्रकार ये भी है तो इसे भी समझना है। आम बोलचाल में स्पोकन में इसका यूज होता है, जैसे आप किसी को बुलाते हो, अपने सिस्टर को अपने ब्रदर को किसी को भी बुलाते हो तो उसका नाम लेते हो, जैसे किसी का नाम है रेखा, किसी का नाम है रेखा, तो आपने आपकी सिस्टर है तो आपने बुलाया, कहीं आपसे दूर है थोड़ा सा तो आपने बुलाया रेखा, जब वो आपकी तरफ अटेंटिव होगी, जब आपकी तरफ देखने लगेगी तब आप कहोगे कम हियर, यस या नो, यस कम हियर। जैसे रेखा की बात की, रेखा को आपने बुलाया रेखा, जब उन्होंने ध्यान दिया आपकी तरफ तब आपने कहा कम हियर, तो इसके बाद एक कम आएगा, उसके बाद में बात क्या आएगी कम हियर। ध्यान रखिएगा रेखा जो सेंटेंस में सबसे पहले आ रही है, लेकिन रेखा को वोकेटिव केस में रखा जाएगा, क्योंकि रेखा को पहले ध्यान देने के लिए कहा गया, वोकेट किया गया, उसके बाद में कहा गया कम हेयर, रेखा कम हेयर, यस या नो, क्लियर है। तो रेखा क्या है यहाँ पर आपका, ये वोकेटिव केस बन जाता है, ये सेंटेंस कैसा वोकेटिव केस में। पजेशन की बात जहाँ पर करते हैं वहाँ पर पजेसिव केस होता है, क्या होता है पजेसिव केस। पजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, पजेशन का मतलब होता है अधिकार, जहाँ पर आपका अधिकार है, जिस चीज़ पर आपका कब्जा है, जिस चीज़ पर आपका हक है, तो इट मीन्स वो आपके पजेशन में है, ठीक है पजेशन में है। जैसे कहें दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक की बात कर रहे हैं, ये जो किताब है ना दिस बुक इज माइन, ये मेरी है, दिस बुक इज माइन, ठीक है। अगर हम इस तरीके से कहें गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, अगर हम गिव मी योर पेन कहें, इट मीन्स ये जो पेन है ना ये आपका है, बट मैं चाहता हूँ, ठीक गिव मी मुझे दे दो, क्या योर पेन, इस पेन पर अधिकार आपका है, तो योर पेन मीन्स उस व्यक्ति का अधिकार है जिससे हम पेन मांग रहे हैं, गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे प्रोनाउन में इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, पजेशन में, नाउन में पजेशन शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी यस का यूज करते हैं। जैसे कहें राम्स बुक, राम की किताब, नेहास हाउस, नेहा का घर, तो इस तरीके से जब एपोस्ट्रॉफी यस लगा देते हैं तो उस प्रॉपर व्यक्ति की वो वस्तु शो होती है। राम्स बुक मतलब ये बुक जिस जो भी है इस पर राम का अधिकार है, ये राम की है, और ये जो हाउस है ये नेहा का है, इस पर नेहा का पजेशन है,
इज इट क्लियर। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज सीखी। ओके गाइज, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा? सबसे पहले तो हम लोगों ने नाउन को समझा, क्या होता है नाउन, टाइप्स इसके समझे, टाइप्स ऑफ नाउन समझा, टाइप्स ऑफ नाउन्स को समझा। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें नंबर को समझा। नाउन में एक टॉपिक आपका है नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर। में हमें यह पता चला कि नंबर जो है, नाउन जो है, सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जेंडर को सीखा, जेंडर क्या होता है, इसकी भी कॉमन जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिली यहाँ से। तो जेंडर में हम लोगों ने क्या सीखा, मैस्कुलाइन जेंडर सीखा, फेमिनाइन जेंडर सीखा, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर सीखा। उसके बाद में हम लोगों ने किसकी बात की, केस की। केस में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, केस में सारी चीज़ें जो थी वो आपके सामने थी अभी। इसमें आपका था सब्जेक्टिव केस, था सब्जेक्टिव केस में भी नाउन का यूज होता है, नाउन का यूज ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और नाउन का यूज वोकेटिव केस में भी होता है, और नाउन का यूज पजेसिव केस में भी होता है, पजेसिव केस में होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज की क्लास में सीखी। क्लास बहुत ही लंबी हो रही है और हम लोगों का जो आज का टारगेट था वो ये था कि नाउन में ओवरऑल जितनी चीज़ें हैं उसकी बेसिक जानकारी आपको मिल जाए। अगली क्लास में जो होगा हम एडवांस में और जो वास्तव में कंपटीशन की चीज़ें हैं वो चीज़ें नाउन में सीखेंगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास को ज़रूर वॉच करें जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है और उसका सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। जी हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें जिससे कि कम्युनिटी थोड़ा सा स्ट्रांग हो और इस पर काम करना थोड़ा और अच्छा लगे हमें। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।